थैंक यू मैम, थैंक यू। सो बेटा, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 5, कैन एनीबॉडी टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? राइट इन चैट बॉक्स क्विकली। यस, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस क्वेश्चन? इट्स वेरी इजी टू फाइंड द प्लेस वैल्यू इफ यू नो द पीरियड ऑफ दिस नंबर। वेरी गुड। सो 5 इज इन द पीरियड ऑफ crore. So what is the place value of 5? We will write the 5. After that, जितनी digits हैं हमने उतनी क्या लगा देनी है? Zeros. Okay? Digits को count कर लीजिए. 5 के बाद कितने digits यहाँ पे आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमने 5 के साथ कितने zeros लगा देनी है? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो ये क्या हो गया हमारा द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। व्हाट इज नेक्स्ट इज पार्ट ई। ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज 8, 4, 9, 6, 7, 4, 5, 8, 6। इन दिस नंबर ऑफ विच डिजिट वी आर गोइंग टू फाइंड द पीरियड एंड प्लेस वैल्यू? 6। What is the period of 6? First of all, हमने क्या करना है? हमने कॉमास पुट करने हैं according to Indian system. You know, कैसे हम कॉमास पुट करते हैं? First of all, 3 digits के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद 2 digits के बाद हमने कॉमास पुट करने हैं। So ये क्या है हमारा? Months period, this is the thousands, this is the lakh, this is the crore period. Now you know what is the period of 6? 6 कौन से period में आ रहा है? Yes, lakhs period में। Very good. So what is the period which is equals to lakhs? What it? Now the place value. The place value of 6. Yes, what is the place value of 6? Very good. Yes, 6 write किया। क्या करेंगे उसके बाद जितने zeros हैं हमने जितने डिजिट है उतने हमने जीरो से यहाँ पे पुट कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया? The place value of 6 is 6 lakh। क्या है इसका प्लेस वैल्यू? 6 lakh। पीरियड क्या है? लैक्स। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 lakh। व्हाट इज नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। Excuse me, ma'am. जी बेटा। Excuse me, ma'am. Question number 6। Excuse me, ma'am. जी बेटा। मैम मैंने मैम गलती से मैम यानी थोड़े से मैम वन से मैम मैंने मैम ब्लैक पेन से लिख दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। ओके, नेक्स्ट टाइम नहीं करना, ध्यान रखना इन चीजों। Yes. Number question number 6. Write the expanded form of the following numbers. Now you know expanded form कैसे हम write करते हैं? Excuse me, ma'am. According to place values. Excuse me, ma'am. को expand करके write करना होता है ना? यही होता है। Number दिया होगा, उसको हमने place values के according expand करके उसको write करना है। So what is the number here? We are going to do the part of 6th question is C. C part है। So the number is 100050409. This is the number ना। So हमने क्या करना है? इसको write करना है expanded form में। Expanded form में कैसे write करते हैं? First of all, comma use कर लो according to the Indian system। ठीक है? So first of all 3 digits के बाद, after that 2 के पेयर के बाद हमने कॉमा पुट कर दी। ये हमारा नंबर बन गया 10,50,409। सो इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। सो व्हाट इज दिस 1? 1 कौन सा है? इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1 की? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 हियर? यस, 10 करोड़। टेल 10 करोड़। राइटिंग चेक बॉक्स मैम, राइट इन चैट बॉक्स 10 करोड़। वेरी गुड, वेरी गुड। 10 करोड़ है ना। सो
हमने यहाँ पे राइट करना है एंड द प्लेस वैल्यू. ओके, वन की प्लेस वैल्यू राइट करनी है 10 crore. ओके, प्लस क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू, बट वो तो जीरो है. ठीक है, हम जीरो को स्किप यहाँ पे कर सकते हैं. गॉट इट? यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस पे भी जीरो है, नेक्स्ट प्लेस पे भी जीरो है, नेक्स्ट पे है 5. ठीक है, अगर हम लिख भी सकते हैं हम उनको स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट हियर द जीरो. ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर इज 5. 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? Hurry up, writing. 10,000 is the place value of 5. Yes. Write in chat box, hurry up. 10,000. Very good. The place value 5 is 10,000. So we will write here the place value of 5 is 50,000. Okay. Plus kya aayega? 0. Aap 0 ko yahan pe write nahi kar sakte, otherwise you can skip. Next is 4. What is the place value of 4? 4 is on the hundreds place. So we will write it as 0 to 6 per second. Next is 9. What is the place value of 9? That is 1. So we will write here only 9. So this is the expanded form of the given number. Okay? So next question is question number 7. Abhi next question mein kya given hai? Write the compact form. आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन होगा, ये वाला फॉर्म गिवन होगा, और आपने इसको किस में राइट करना है? कॉम्पैक्ट फॉर्म में राइट करना है. इस फॉर्म में आपने राइट करना है. ठीक है, सो द नंबर इज क्वेश्चन नंबर पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. दैट इज, यस, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर? क्या दिया गया है यहाँ पे प्लेस वैल्यू? काउंट करके बताओ अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू. यस, 3 crore है, लाख है, थाउजेंड है, व्हाट इज दिस? मैम 1. मैम अगेन से ऐश लाइट पड़ रही है. मैम आपकी स्क्रीन फिर से नहीं दिख रही. बेटा वेट, लैपटॉप में नेटवर्क इशू होगा, प्लीज वेट. प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? ये कौन सी प्लेस वैल्यू है 6 की? दैट इज द 10 करोड़ है ना. 10 करोड़ पे सो 6 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा अगर हम उसको राइट करेंगे? दैट इज द 60 करोड़ है ना. सो इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे नंबर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में राइट करना है. हरी अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए. हरी अब डू इट. अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यूज आपको कॉम्पैक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होता है और आपने कॉम्पैक्ट फॉर्म में राइट करना होता है. आपने ऑलरेडी किया हुआ है ना. सो जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन. जी आपके पास बुक्स भी है बेटा, बुक्स यूज करिए. हरियर जी, वेरी गुड. आई कैन सी ऑल आर डूइंग. 60,000. दिस इज रॉन्ग. पुष्पिंदर. ओके गुड. पुष्पिंदर परमीत, पुष्पिंदर बांगा, सहज प्रीत, बेटा चेक योर आंसर. दिस इज रॉन्ग. वेरी गुड. एज गिरीशा, वेल डन. यस, सो व्हाट वी विल डू दैट 6. यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू गिवन है किसकी दी होगी? 6 की दी होगी ना. सो काउंट कर लो क्या होगा. आप कॉमन पुट करके चेक कर सकते हो. तो ये क्या बनता है हमारा 60 crore. ठीक है, ये है 60 crore की प्लेस पे. तो हमने क्या टाइप किया? 60 crore. ओके, करोड़ है तो नेक्स्ट डिजिट कितने आएंगे हमारे? आप यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, डॉट तो लगा दिए. गॉट इट? सो नेक्स्ट इज 40 lakh. ये क्या है हमारा? 40 lakh. ये मानो बन जाता है 60 crore. 40 lakh. नेक्स्ट इज 80,000. ओके, नेक्स्ट इज
805. Tenth place digit यहाँ पे missing है ना? The place value of tenth place digit is missing ना? So here we will write 0 and last one is 5. ठीक है? Got it बेटा? Any doubt? अगर आपको problem आते हैं ना, आप यहाँ पे blank भी लगा सकते हैं। Excuse me ma'am. Values को fill कर सकते हैं। ठीक है? Excuse me ma'am. जी. मैम मेरा एक सवाल था मैम, जो 5A है मैम उसमें मैम जैसे करोड़ लिखा हुआ पीरियड करोड़, मैम उसमें सी भी लिख सकते हैं क्या? मैम जैसे कि मैम 5A है और पीरियड इक्वल टू करोड़ लिखा हुआ है, हम उसकी जगह सी भी लिख सकते हैं? सी नहीं, करोड़ पूरा लिखना है बेटा, करोड़ आपने पूरा ही राइट करना है। ठीक है, शॉर्ट आंसर से यहाँ पे नंबर्स को शो करने के लिए वैसे ही करते हैं, बट हमने आंसर पार्ट राइट करना है ना, उसमें आपने फोर पूरा ही लिखना है करोड़, सी आर ओ आर ई एस। ठीक है, करोड़। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। हरी अप, जल्दी से मुझे आंसर आना चाहिए इसका। राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। यस, वेरी गुड, हरी अप। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। ओके, सो हमने यहाँ पे राइट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, वेरी गुड। सुहाना इज, रविंदर, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम, 0 और 9 में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 9। मैम 9 को आपको कितने टाइम राइट करते हैं? 5 टाइम्स। मैम 3 4 5, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो 12 क्वेश्चन इज राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, दिस इज द डिफरेंट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। ओके, राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, अगेन हमने 8 डिजिट नंबर राइट करना है, बट हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, बट हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट मींस कि हमने 3 डिजिट्स का ही यूज करना है और एक हमने स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। नाउ यू नो 0 इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। सो नेक्स्ट उससे बिगेस्ट क्या आता है? 1, एंड उससे बिगेस्ट क्या आता है? 2। सो अगर हम 3 4 5 उन नंबर्स को देखें, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन से आ रहे हैं हमारे? 0 1 9 2, ये हमारे स्मॉलेस्ट हैं। 3 डिफरेंट डिजिट हमारे पास आ गए हैं। With the help of these numbers, these digits, we will form a smallest 8 digit number. Okay? So, we will write smallest 8 digit number is equal. Smallest form karna hai. So, can you tell? Main yahan se start kar sakti hu 0 se number write karna? Can I start with the number 0? नहीं, किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से, ठीक है। 0 से अबव वैल्यू कौन सी है यहाँ पे? 1, तो हमने 1 से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सो उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे 8 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, यहाँ पे ब्लैंक 8 ब्लैंक यहाँ पे डाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 डिजिट्स का यूज करना है, यहाँ पे देखिए कितने डिजिट्स यूज हुए हैं, अभी 2 डिजिट्स यूज हुए हैं, 0 एंड ओनली 1,
सो हमने टू का भी यूज करना है ना, टू का यूज करना है. सो टू को हमने कहां पे राइट करना है, एंड पे. फर्स्ट टू नंबर्स राइट किए, जो स्मॉलेस्ट वन है 0 and 1, वो राइट किए हमने 1 0 स्टार्टिंग में. सो जो लास्ट नंबर बचा है 2 एंड में राइट करेंगे. जो इन बिटवीन हमारे पास नंबर्स स्किप है उसको हम फिल करेंगे 0 के साथ. ठीक है, ये बन गया हमारा एक डिजिट नंबर. काउंट कर लो डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8. कौन कौन से डिजिट्स यूज हुए हैं यहाँ पे, 0 1 and 2. 3 डिजिट का यूज करके हमने स्मॉलेस्ट एक डिजिट नंबर को यहाँ पे फॉर्म किया. ठीक है, गॉट इट जी. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करिए. Yes, write the greatest 8-digit number having 3 different digits. यहाँ पे हमने फॉर्म किया स्मॉलेस्ट 8-digit number, बट अभी हमने क्या करना है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 8-digit number. सो आप ग्रेटेस्ट नंबर राइट करने के लिए क्या राइट करते थे, यहाँ पे 9 का यूज करते थे ना, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 डिफरेंट डिजिट को यूज करना है. सो हमने कौन कौन से डिजिट यहाँ पे यूज करने है, 7, 8 and 9. ठीक है, ग्रेटेस्ट को फॉर्म करने के लिए आप लास्ट से स्टार्ट करोगे, 9 से स्टार्ट करोगे लेने नंबर्स, और स्मॉलेस्ट को फॉर्म करने के लिए यू विल टेक फ्रॉम द स्टार्टिंग 0, 1 and 2, जितने भी होंगे डिजिट बोला होगा. ठीक है, तो 3 डिजिट हमने सिलेक्ट कर लिए, ये वाले हमारे पास है. सो इसकी हेल्प से हमने क्या करना है, द ग्रेटेस्ट 8-digit नंबर फॉर्म करना है. ठीक है, सो द greatest 8-digit number. So what we will do, same here. ठीक है, अपने हिंट के लिए स्मॉल स्मॉल से ब्लैंक यहाँ पुट कर लो कि आपने वहां पे 8 डिजिट्स को राइट करना है. ठीक है, ठीक है, got it. Now greatest 8-digit number राइट करना है, तो हमने स्टार्ट किससे करना है, 9 से. ओके, 9 से स्टार्ट किया, और बाकी के जो डिजिट है 7 and 8 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 8 and here I will write 7. गॉट इट. सो बाकी के प्लेसेस पे पुट करेंगे 9 9 9.